बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह आप सबकी इज़्ज़त और ईमान की हिफाज़त फरमाए। अच्छा, ये मैं कुछ पहले वाली वीडियो में दिखा रही थी, कुछ दूसरी में आ गए, तो ये पक्के टांके के साथ मैं आपको दिखा रही थी। आप ये देखिए, पक्के टांके के साथ गला पेंट, क्योंकि पेंट के अंदर ना वैरायटी से वैरायटी आ रही है, मुकेश डिफरेंट चीज़ें। और आज चिकनकारी के साथ और पक्के टांके के साथ इसका कम्बिनेशन, गला खूबसूरत, इसका लॉन्ग गला बना हुआ है और ये मैरून कलर की, ब्लड मैरून कलर के इसके जो है ना धागे के साथ कम्बिनेशन है। ये बंचेस बने हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। अंदर बेल आपको पेंट की नज़र ही आ रही है कि यहाँ से इसके बाजू बनेंगे। बाजू के ऊपर जो है वो कम से कम जो है वो 3, 3, 6, 9 जो है बड़े और छोटे बंचेस के साथ बनेंगे। बैक साइड पे इसके इस तरह की बूटी वर्क मैं आपको थोड़ा सा ऐसे दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे के ऊपर इस तरह के पल्लू के ऊपर बड़े बंच और छोटे बंच की जो है ये बूटी बनी हुई, ये इसका वर्क है, ठीक है। और ये पेंट पेंट के साथ इसकी बेल बनी हुई है। अच्छा, ये पीच, थोड़ा सा डार्किश पीच जो होता है उसके कम्बिनेशन के साथ गला इसका बना हुआ है। देखिए, पक्के टांके के साथ बहुत खूबसूरत जो है पर्पल कह लें इसको, और जिंक कलर के कम्बिनेशन के साथ साथ ही इसके बूर भी बना हुआ है बूटियों के अंदर। और ये इसके बड़े और छोटे बंच के साथ इसकी पिक्चर है, पिक्चर है, मैं क्या बात कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। ये देख लीजिए कि इसके बाजू में, और ये इसका रस्ट ऑरेंज के साथ कम्बिनेशन है। बैक साइड पे इसके बूटी और वो एक साइड पे इसका बंच, और ये यहाँ से इसका दूसरा बाजू है। अच्छा, ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे के ऊपर जो है इसी तरह बड़े और छोटे बंच के साथ इसकी बूटियाँ बनी हुई हैं, ये आप देख लीजिए वर्क। और ये इसके पल्लू बॉर्डर बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके दुपट्टे का जो मज़े की चीज़ बनी हुई है वो ये है कि ये इसका बीच में एक बड़ा सा जो है ना फ्लावर बना हुआ है, ब्लैक कलर की ये आउटलाइन है और इसके अंदर ये बंचेज, और ये इसके बॉर्डर के ऊपर वर्क हुआ है। अच्छा, ये शेडो वर्क और शीशा के साथ है। ये इसकी शर्ट है, ये एक पूरा बंच बना हुआ है, और ये शेडो वर्क के साथ छड़ियों में और कच्चे बूर के साथ इसका वर्क हुआ हुआ है। और इसका मस्टर्ड येलो कलर के कम्बिनेशन के साथ इसका डार्क और लाइट कम्बिनेशन है, लेमन और मस्टर्ड येलो के साथ कम्बिनेशन। शीशा वर्क, कच्चा बूर और शेडो वर्क, बैक साइड पे इसके जो है ये कच्चे बूर का बंच और उसके फ्लावर्स। इसका दुपट्टा जो है, मतलब इसकी जो फ्रंट और बैक बॉर्डर है उसको मस्टर्ड कलर के कम्बिनेशन के साथ डार्क कर दिए। इनर इसकी जो है वो हो गया इसके मतलब लाइट कम्बिनेशन। ये जैसे कच्चे बूर के ड्रेसेस आते थे ना, एक बंच बना होता था साथ कच्चे बूर की बूटी बनी हुई, इसी तरह इसके ये तीन बंच बने हुए और पूरे इसके अंदर। अच्छा, ये स्टील ग्रे और डार्क ग्रे के कम्बिनेशन के साथ पिंक फूलों के साथ इसका ये बंच है, और ये इसके अंदर गोटा लगा हुआ है सारा। ये इसका बॉर्डर है, और यहाँ से इसके ये बाजू आएंगे वर्क में, आपको यहाँ से चिकनकारी की चिकनकारी के साथ भी खूबसूरत लग जाएगी। और बैक साइड पे इसके नुन्ना मुन्ना सा बंच और इसके अंदर बूटी। अच्छा, ये इसका दुपट्टा, दुपट्टे के ये पल्लू बना हुआ है, ठीक है, चिकनकारी के साथ गोटा। और ये इसके जो है पेंट के साथ जो है फ्रंट और बैक बॉर्डर बना हुआ। अच्छा, नेक्स्ट जो है खूबसूरत चिकनकारी के साथ वर्क है, पैटर्न स्टे करके दिखाने वाले हैं आपको। ऑफ वाइट के साथ जो है ना, लाइट ऑफ वाइट जो कलर होता है उसके साथ ये इसका चिकनकारी का आप पैटर्न देख लीजिए। और ये इसके साथ एलिमेंट सा कलर जो है ना, स्किनी सा कलर जो होता है, ये इसके बाजू, ठीक है, वर्क आपको, ठीक है, बैक साइड पे इसके इस तरह के फ्लावर्स और बंच, और यहाँ से इसका दूसरा बाजू निकलेगा। खुला कपड़ा है, हेल्दी हैवी हाइटेड खवातीन का बहुत आराम से बन जाएगा। ये इसका पल्लू आ गया, और ये इसका दुपट्टा, ये इनका कंप्लीट बने हुए हैं, कोई इसमें सच को ज़रूरत नहीं, हल्की सी पाइपिंग को वगैरह कुछ कर लें वो आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। ये भी बहुत खूबसूरत पैटर्न है चिकनकारी के साथ इसका, ये आप देख लीजिए, मैं स्ट्रे कर दिया ताकि आपको आराम से समझ आ रहे। बीच में बड़े बंच इसके अंदर ये फ्लावर्स का है, ठीक है, रस्टी ऑरेंज से इसके फ्लावर हैं। और ये इसका जो है ना पाउडर शेड्स टाइप जो ग्रीनिश सा खूबसूरत सा कलर होता है ना, उसका कम्बिनेशन के साथ है, ठीक है। यहाँ से इसके बाजू बनेंगे, बैक साइड पे इसके खूबसूरत जो हैं ये अंबियाँ सी बनी हुई हैं, और इसके जो ये आपको रस्टी ऑरेंज से लग रहे हैं ये लीव्स हैं,
ये देख लें, ये इसका दुपट्टा है फुल भरा हुआ एम्बियों के साथ, ठीक है, डार्क और लाइट कम्बिनेशन के साथ। ये इसका पल्लू बना हुआ है इस तरह। अच्छा, ये टी पिंक और थोड़ा सा उससे डार्क के कम्बिनेशन के साथ पैटर्न, आप खूबसूरत चिकनकारी का पैटर्न आप पहले देख लीजिए, ठीक है। ये इसका दामन बना हुआ है, कलर बड़े खूबसूरत कम्बिनेशन। एक्चुअल चीज़ होती है कि कम्बिनेशन कितना होता है वही अट्रैक्ट करता है। बैक साइड पे इस तरह एक बंच, यहाँ से इसका दूसरा बाजू और ये बाजू के ऊपर चिकनकारी। ये इसका दुपट्टा है डार्क और लाइट के कम्बिनेशन के साथ, ये आप देख लीजिए, ठीक है। ये पल्लू इस तरह के बने हुए हैं इसके, और ये इसके अंदर जो है बूटी और पेंट का कम्बिनेशन, पिंक का खूबसूरत टी पिंक। अच्छा, ये जो है लाइट ग्रीन और मेहंदी कलर का जो कम्बिनेशन होता है पैटर्न, मैं आपको इसका दिखा देती हूँ, ये आप देख लीजिए, ठीक है। और ये इसका दामन डार्क, और ये भी मेहंदी वगैरह के अंदर जो है ना लेडीज़ जो है वो पहन सकती हैं इसको। बैक साइड पे इस तरह की बूटी और बंच, कलर बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे के सबसे पहले मैं आपको पल्लू दिखा देती हूँ, ठीक है, पेंट की ये साइड पे। और ये भी बड़ा खूबसूरत जो है इसके ऑफ वाइट कलर है पैटर्न, मैं आपको इसके ये दिखा देती हूँ, इसका जो चिकनकारी का है, ठीक है, शेडो वर्क और चिकनकारी, और बड़ा खूबसूरत सा इसका जो है ना लाइट से कम्बिनेशन के साथ है, ठीक है। ये इसका दामन, यहाँ से इसके बाजू बनेंगे और बाजू बैक साइड पे इसके जो है वो इस तरह की बूटी और पेंट का बंच, और ये इसका बाजू आ गया। अच्छा, ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे का पल्लू मैं दिखा देती हूँ आपको, खूबसूरत लाइट और डार्क के कम्बिनेशन के साथ। और ये इन कपड़ों का ये मज़ा होता है कि ये आप विंटर्स के अंदर जो वेडिंग सीज़न होता है या समर में, आप दोनों में बहुत अच्छे से इनको। अच्छा, ये लेमन ग्रीन कलर है, ठीक है, और इसका सबसे पहले आप चिकनकारी का पैटर्न देख लीजिए और शेडो वर्क साथ कम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है इसका, आप ये देख लें। और ये इसका ग्रीन के साथ कम्बिनेशन है इसका, बहुत खूबसूरत है। यहाँ से इसका दूसरा बाजू बनेगा, बैक साइड पे इसके बंच और बूटी। ये इसका दुपट्टा वर्क में आपको इसका, ये आप इसका दामन देखिए, दामन के लिए पल्लू कितना खूबसूरत बना हुआ है, ये देखिए, ठीक है। ये इसके पेंट, खूबसूरत कलर कम्बिनेशन। अच्छा, ये येलो कलर है, लाइट येलो, लेमन येलो और डार्क के कम्बिनेशन से पैटर्न आप चिकनकारी का देखें, थोड़ा सा ऊपर करें ऐसे, ठीक है। ये इसका बंच, ये इसका दामन, यहाँ से इसके बाजू बनेंगे, बैक साइड पे इसके ये लो। अच्छा, ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे के ऊपर देखिए बड़े खूबसूरत, ये जो ये पेंट का एक ब्रश घुमा हुआ है ना, ये बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। ये इसके दुपट्टे की साइड और ये, अच्छा, लास्ट वन जो है बड़ा खूबसूरत सा, ये फुली ग्रे है, ग्रे और डार्क। सबसे पहले मैं आपको इस, अच्छा, इसके जो पैटर्न बना हुआ है वो गले के ऊपर सारा पेंट पूरा बना हुआ है, ठीक है। और ये इस तरह इसका चिकनकारी का ये पूरा पैटर्न है, थोड़ा सा ऐसे ऊपर का ये। और ये इसका दामन बना हुआ है खूबसूरत, यहाँ से इसके बाजू बनेंगे, बैक साइड पे इस तरह का इसका बंच और यहाँ से दूसरा बाजू, और लास्ट वन इसका दुपट्टा। दुपट्टे के अंदर आप देखिए कितना खूबसूरत मेहंदी कलर के कम्बिनेशन और पिंक के इसका पेंट है, और ये इसका पल्लू बने हुए। तो आज की वीडियो यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी जल्दी जल्दी से, क्योंकि ये चिकनकारी और शेडो वर्क के कम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो जल्दी से अपने फेवरेट कलर को चूज़ कीजिए, इंशाल्लाह व्हाट्सएप पर मिलते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।